हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ VACPR थ्योरी, कि कैसे हम VACPR थ्योरी के जरिए किसी भी मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद आती है, वो हम पता कर सकते हैं। अगर विदाउट लोन पेयर है, अगर उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो सेम होगी जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन से आती है। बट अगर उसके पास आपका लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो स्ट्रक्चर है आपकी वो कुछ ना कुछ चेंज होगी, ठीक है। और क्या होगी वो हमने देखा था, हमने sp2 sp3 और sp3d इनके लिए देख लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आपके sp3d2 और sp3d3 के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। sp2 sp3 और sp3d फोर्थ हो गए थे, आपका है फिफ्थ नंबर, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहां पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 6, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होता है स्ट्रक्चर? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पे हम वही अपने अलग अलग केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या रहेगा? जब आपके पास 6 ही क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, प्लस 0 लोन पेयर, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखिए अगर हम बात करें 6 ही बॉन्ड पेयर है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल है आपका SF6, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, आई एम श्योर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 आपके सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना लिए, लोन पेयर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो 6 है x की वैल्यू, स्टेरिक नंबर 6 है, 6 में आपका हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp3d2, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल। किस टाइप से होगी आपकी? इस टाइप से, ठीक है। ये आपका सल्फर, ठीक है, और ये आपका फ्लोरीन। अब देखिए यहां पे है ना, जो सब पोजीशन है, सब पोजीशन सेम है, ठीक है ना, कोई भी पोजीशन है वो डिफरेंट नहीं है, सारे फ्लोरीन आपके आइडेंटिकल पोजीशन पे है। जैसे ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ठीक है। ऊपर भी एक फ्लोरीन और नीचे भी एक फ्लोरीन, ठीक है। सारे जो फ्लोरीन है सब आइडेंटिकल है, आप कहीं से भी रोटेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपकी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। जैसे आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में था, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड थे, मतलब जो आपका इक्विटोरियल पोजीशन थी वो आपके मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन थी, वैसा कोई फंडा यहाँ पे काम नहीं करने वाला, सारी की सारी पोजीशंस क्या है? सेम है, ठीक है। आप नोट करके भी लिख सकते हो, ऑल द पोजीशंस आर सेम, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट केस SF6 का, ठीक है। सेकंड केस हम लेते हैं, इसी में सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस होगा जब आपके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एंगल आपके सेम ही है, सभी के सभी जो हैं आपके 90 डिग्री के रहेंगे, ठीक है। सेकंड केस हम देखते हैं, सेकंड केस क्या है? 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं, ठीक है, इसके लिए बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें? आप Cl F5 ले लीजिए, ठीक है। क्लोरीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 तो इस सिग्मा बॉन्ड बना लिए, एक 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर, तो 5 प्लस 1 6। 6 में हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है? sp3d2। स्ट्रक्चर क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। बनाइए स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, ये आपका क्लोरीन, ये आपके सभी जगह फ्लोरीन। अब सभी पोजीशन सेम है, आप लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर हुई, इसको आपको देख के लगेगा, ठीक है ना, देखिए अगर हम इस फ्लोरीन को सभी चारों जो आपके स्क्वायर के फ्लोरीन है उनसे अगर हम अटैच करें,
तो देखिए, एक पिरामिड टाइप का बनेगा, कैसा पिरामिड टाइप का, और नीचे का बेस कैसा है इसका, स्क्वायर है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं आपका, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। वही लोन पेयर को आपको काउंट नहीं करना है, शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है। अब वही क्वेश्चन कि यहां पे 90 डिग्री को कोई एंगल होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, आपके रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, जो पांचों एक ही प्लेन पे, ये जो चारों फ्लोरिन एक ही प्लेन पे, सेम प्लेन पे, ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ सिकुड़ जाएंगे, इससे आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बॉन्ड एंगल देखना भी है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है अराउंड 89 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, ये आपका लोन पेयर और ये पांचों आपके बॉन्ड पेयर, उनमें रिपल्शन की वजह से, ठीक है। चलिए इसी में एक और केस हम लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपका XeOF4, ठीक है। अगर हम बात करें XeOF4 के लिए तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो चार तो फ्लोरीन के साथ बना लिए, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, अपने को एक ही काउंट करना है, ठीक है, तो हो गए अपने पास 6, चार इसमें दो यहाँ पे काम में आ गए इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, दो बचे हुए हैं जिनके पास 8 होते हैं, मतलब इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब काउंट कर लो, 1 तो ये लोन पेयर जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा काउंट करना है, तो 1, 2 और ये 4, टोटल हो गए 6, 6 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये ज़ीनोन, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन जो है वो आपका डबल बॉन्ड से रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और ये यहां पे आपका लोन पे, ठीक है। अब क्या यहां पे भी एंगल 90 डिग्री से कम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी आपका लोन पे है, बट यहां पे ऊपर से भी आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन वर्क करेगा, नीचे से लोन पेयर बॉन्ड पेयर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये लोन पेयर बाकी के बॉन्ड के ऊपर रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी वापस चारों बॉन्ड के ऊपर क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, मतलब ऊपर से सिकुड़ेगा एक, नीचे से सिकुड़ेगा, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से भी रिपल्शन, यहाँ से भी रिपल्शन, बट यहाँ पे यहाँ से जो रिपल्शन होता है वो इसको क्या कर लेता है, काउंटर बैलेंस कर लेता है, ठीक है, और काउंटर बैलेंस की वजह से यहाँ जो एंगल कम होना चाहिए 90 से, वो क्या हो जाता है, 90 से स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो एंगल होता है वो होता है आपका लगभग 91 डिग्री, रीजन वही आपका जो आपका लोन पेयर रिपल्शन है वो बैलेंस हो जाता है आपके बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रीजन्स भी लिख सकते हो, 91 ड्यू टू बैलेंसिंग ऑफ लोन पेयर रिपल्शन विथ बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, ये कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली प्रूफ होती है, हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना, उसी के बाद हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड केस हो गया, थर्ड केस ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, आपके दो लोन पेयर आ जाएंगे, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए यहाँ अगर हम बात करें आपके थर्ड केस के लिए, जहाँ पे आपके पास क्या हो, 4 तो बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, और आपके पास लोन पेयर कितने हो, 2 प्रेजेंट हो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, एग्जांपल क्या हो सकता है आपके, XeF4, ठीक है, XeF4 जिन्होंने के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 में से 4 तो यहाँ काम में ले लिए, ठीक है, 4 बचे मतलब 2 लोन पेयर, जिन्होंने के पास आपके 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर 2 + 4 टोटल हो गए 6, स्टेरिक नंबर 6 हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल, बनाइए स्ट्रक्चर,
ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये भी आपका स्क्वायर पिरामिडल ही शेप रहेगा, ठीक है ना, ये भी आपका स्क्वायर पिरामिडल ही है, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करेंगे लोन पेयर को, ठीक है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, ये आपका जीनोन, ठीक है, दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर को मैं आमने सामने रख देता हूँ, ठीक है, ताकि रिपल्शन जो हो वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन, दोनों लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। अभी आपकी स्ट्रक्चर कैसी बनी, केवल और केवल प्लेनर, और शेप क्या है, स्क्वायर है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, आपकी स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। ये भी नॉन प्लेयर है क्योंकि ये फ्लोरीन ऊपर है, ये भी नॉन प्लेनर है क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर है, यहाँ पे ऊपर आपके कोई भी एटम नहीं है, ठीक है, पांचों जो आपके एटम है वो सब एक ही प्लेन में, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आपकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे आपके, इसमें तीन लोन पेयर नहीं आ सकते, ठीक है ना, जैसे मान लो तीन बॉन्ड पेयर हो जाए और तीन लोन पेयर हो जाए, तो तीन लोन पेयर आने पे क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाता है, आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इस वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए वो आपका फॉर्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें केवल आपके तीन ही केस पॉसिबल हैं, आपके फर्स्ट, सेकंड और ये आपका थर्ड, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आपके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए ओके, अब हम पढ़ते हैं आपके लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट है आपका सिक्स नंबर, दैट इज sp3d3 हाइब्रिडेशन, जहां पे आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे सेवन, ठीक है, एक एस, तीन पी और तीन डी, टोटल हो गए सेवन, ठीक है। फर्स्ट केस लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पता है ना आपको, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल कौन सा होता है, पेंटागोनल, क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। चलिए इसके लिए हम फर्स्ट केस देखें आपसे, फर्स्ट केस में क्या रहेगा, आपके पास मान लो टोटल सेवन बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर क्या हो, जीरो, जीरो लोन पेयर, ठीक है, फर्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपके पास IF7, ठीक है, आयोडीन के पास वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है, सेवन के सेवन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एक्स की वैल्यू स्टेरिक नंबर सेवन हुई, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, कुछ इस टाइप का रहेगा, ये आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यही आपकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। चलिए ये तो हुआ फर्स्ट केस, इसी में सेकंड केस आता है, वो और अच्छा केस है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेकंड केस के कुछ जो आपको एग्जांपल दूंगा मैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, जब आपके सिक्स बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए XeF6, ठीक है, जिन्होंने के पास आठ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, आठ में से छः तो फ्लोरीन के साथ काम में आ गए, एक लोन पेयर प्रेजेंट बचा हुआ, तो वन प्लस सिक्स टोटल हुए सेवन, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सेवन हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए इसका, जो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जीनोन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन, या फिर यहाँ लिखिए फ्लोरीन, यहाँ पे आपका लोन पेयर, इसे हम क्या बोलेंगे, आपके क्या बोल सकते हैं, पेंटागोनल पिरामिडल शेप का, क्योंकि ये पेंटागोनल हो गया, पिरामिडल शेप का रहेगा, सब इसको मिलाएंगे बोल सकते हैं, बट इसको हम नहीं बोलते हैं, ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो एक्सपेरिमेंटल होता है, होता कैसे है, ये जो आपका जीनोन है, ठीक है, ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करता है कि ये आपका फ्लोरीन एक ऊपर, एक फ्लोरीन आपके प्लेन के नीचे रहता है, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, यहाँ पे फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन, तो ये अपने आप को क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसी है आपकी, ऑक्टाहेड्रल, कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है, बट ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये चीज है जो इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, एक लोन पेयर भी क्या होता है इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको अगर हम मिलाएंगे तो आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होता है ऊपर से और आपके नीचे से भी, ठीक है, ये फ्लोरीन है, ठीक है ना, एफ ही नहीं, फ्लोरीन, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं आपका केप्ट, क्या बोलते हैं, केप्ट ऑक्टाहेड्रल, केप्ट ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसे हम बोलेंगे आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल भी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है केप्ट ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशल केस है, ठीक है, आप चाहो तो स्टार बना के लिख भी सकते हो उसको, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें होता क्या है, ये जो आपका लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कभी इस फेस के ऊपर रहता है, कभी फ्लिप करके जो नीचे वाला फेस है ऑक्टाहेड्रल वाला उसके ऊपर चला जाता है, मतलब ये इस तरीके से फ्लिप होता रहता है, ये जो लोन पेयर है, इसलिए ये एक आपका स्पेशल केस होता है, या तो आपका लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट रहेगा या फिर इसी की मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, जीनोन, ये आपका फ्लोरीन, 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 ठीक है, ये आपका फ्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन, ठीक है, यहां से आपके बॉन्ड बनेंगे, ऊपर वाला तो हमने देख लिया, एक ये नीचे वाला, ठीक है, जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो वो जो लोन पेयर ऊपर प्रेजेंट था वो इस पर लोन पेयर कहाँ होगा आपके, नीचे की तरफ, मतलब इस वाले फेस के ऊपर, कभी ऊपर वाले फेस के ऊपर कभी नीचे वाले फेस के ऊपर रहेगा, मतलब फ्लिप करता रहेगा, इसीलिए इस लोन पेयर को हम क्या बोलेंगे आपका, या फिर इससे हम बोलेंगे आपका स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ग्रुप, ठीक है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका लोन पेयर है वो क्या है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, फ्लिप कर रहा है, ठीक है, और जब भी आप ऑर्गेनिक में इसे और अच्छे से पढ़ोगे कि जब भी आपके कोई कंपाउंड होता है वो फ्लिप करता रहता है, उसे हम बोलते हैं आपकी स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर है इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, ठीक है, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है जो आपका इस ये ऐसा होना चाहिए, पिरामिडल वाला शेप होना चाहिए, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल वाला, पिरामिडल वाला वो ना हो कि क्या होता है, केप्ट ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, ये स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना है। XCF6 का ले लीजिए या फिर आप इसके साथ में एक और एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज ICL माइनस, ICL2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ICL6 माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी आपके 6 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल में आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए ये एक इम्पोर्टेंट केस है जो आपको ध्यान रखना है, इसमें बाकी कोई केस होते नहीं है, दो लोन पेयर वाले, ठीक है ना, एक ही केस होता है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए एक बार आप इन सबको नोट कीजिए, ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो अपने हो गए कंप्लीट आपके सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, चलिए अभी तक तो हमने क्या देखा कि आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ था और उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ था, ठीक है, बट कभी कभी आपको स्ट्रक्चर भी दे देता है, क्या दे देता है, स्ट्रक्चर,
और फिर उस स्ट्रक्चर से आपको क्या फाइंड आउट करना रहता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जनरली आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनके लिए इसे हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो हम अभी हम देखते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर। अगर हम किसी स्ट्रक्चर से बात करें, ठीक है, बिल्कुल इजी है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, उस स्ट्रक्चर में जिस मॉलिक्यूल के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, उसका आपको क्या देखना पड़ेगा, वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, तरीका वो का वही आपको, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट और नॉट कैलकुलेट, फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन दैट मॉलिक्यूल, और या जो आपका कंपाउंड दिया हुआ है उसमें जिस एटम के लिए आपको पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन उसके हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ एटम, और वी कैन से फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एटम, ठीक है। मतलब आपको जिस एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके सिग्मा बॉन्ड्स को आपको काउंट करना है कि उस एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो रहेगा इसमें, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं उनको भी एज ए सिग्मा बॉन्ड की तरह है हमें ट्रीट करना है, या फिर आपके जो डेटिव बॉन्ड फॉर्म होते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको भी हमें एज ए सिग्मा बॉन्ड ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लोन पेयर एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड, उन्हें हमें सिग्मा बॉन्ड की तरह कंसिडर करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आ गए आपके पास तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ आपके हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दो है, हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है, 3 है sp2, 4 है sp3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, 5 है तो sp3d, फिर d2 और d3, ठीक है। सेम वही तरीका है, हमने हाइब्रिडाइजेशन का जो तरीका निकाला था वही तरीका है ये सिग्मा प्लस पाई वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने जो लोन पेयर है, ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर जो हम काउंट करते हैं, लोन पेयर को भी एज ए सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लिया तो वो इसमें ही काउंट हो गया है, ठीक है। सेम तरीका है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, CH3-CH डबल बॉन्ड CH-CH2-CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपका कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यहाँ हमें हर एक कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं और ज़्यादा एलोबरेट फॉर्म में लिखता हूँ इसी फॉर्मूले को, तो मैं लिख सकता हूँ कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये आपका कार्बन, ये तीन हाइड्रोजन थे मैंने अलग अलग शो कर दिए, ठीक है। एक कार्बन, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी, ठीक है। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही होती है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 तो इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी सब जगह आपको 4 ही दिखेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, फिर आपके CH, देन C, यहाँ पे H2 है तो ये 2H हो गए, फिर आपका C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, H2, ये H और ये H। अब जिस भी कार्बन के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, उसके लिए निकाल लो। यहाँ देखिए
सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, 1, 2, 3, 4, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन के लिए sp3, ठीक है। इस कार्बन के लिए निकालो तो 1, 2, 3, पाई को काउंट नहीं करना है, सिग्मा तो 3a, तो sp2, ठीक है। सेम तरीका है, यहाँ पे भी देखिए 3a तो sp2, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 4 है तो ये आएगा sp3, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 है तो ये भी आपका sp2 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 है तो ये भी आपका sp2 है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कार्बन के लिए जो स्ट्रक्चर दिया हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और टाइप रहता है, दैट इज एलीन, ठीक है। एलीन क्या होता है, C3H4, एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए हम इसे यहाँ कवर कर रहे हैं, C3H4, इसे हम बोलते हैं एलीन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, C, 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 सब में डबल बॉन्ड आएगा, ये आपके चार हाइड्रोजन इस टाइप से रहेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है आपके एलीन का, ठीक है। सभी में कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है, सब में चार बॉन्ड बनाए कार्बन ने। अब हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इस कार्बन के लिए 1, 2, 3, ये हुआ sp2, ये कार्बन 1, 2, ये हुआ sp, ये कार्बन 1, 2, 3, ये sp2, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो, ठीक है, इजी रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे रिएक्शन करवा दी जाती है कभी कभी, BF3 + NH3, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये आपका नाइट्रोजन बोरोन को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ये लुइस बेस की तरह वर्क करता है, और BF3 एज ए लुइस एसिड की तरह वर्क करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दैट इज BF3, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3, ठीक है। इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं एडक्ट, क्या बोलते हैं, एडक्ट, या फिर एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम एडक्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हुआ, रिएक्शन से पहले क्या और रिएक्शन से बाद में क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस, वो अपने को देखना है। तो देखिए, BF3 के लिए अगर हम बात करें, BF, ये F और ये F, ठीक है, 1, 2, 3, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है आपका, sp2, ये क्या है आपका sp2। NH3 के लिए बात करो, नाइट्रोजन 3 + 1 लोन पेयर, 4, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है आपके NH3 का, sp3, बिल्कुल सही, ये sp3, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद देखिए, अभी ये आपका BF, F, F, ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन, H, H, और ये H। अब देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको किस में कंसिडर करना है, सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। 1, 2, 3, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया अभी, sp3, यहाँ पे तो पहले भी sp3 था और अभी भी 1, 2, 3, 4 sp3 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं आया, पहले भी sp3 था, अभी भी sp3 है, बट जो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है, पहले sp2 था, वो किस में चेंज हो गया है, sp3 में, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखते हैं कि कैसे हम इन्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ करने के लिए, ठीक है, और फिर उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर आपको ट्राई करने उनको, ठीक है। आपको ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए जो इतनी देर हम पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप कुछ भी एग्जांपल्स ले लीजिए। हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बहुत सारे आपके एग्जांपल देखे थे,
अब अपने को क्या निकालनी है, जियोमेट्री, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए XCOF4, ठीक है। सेकंड ले लीजिए आप XCO2F2 ले लीजिए, ठीक है। थर्ड ले लीजिए XCO3 ले लीजिए, ठीक है। फोर्थ ले लीजिए आपके XCF4 ले लीजिए। फाइव ले लीजिए आपका XCF6 ले लीजिए, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सिक्स नंबर पे, आप ले लीजिए ICL3, ठीक है। ICL3 ले लीजिए। सेवन पे ले लीजिए NH2+ ले लीजिए, ठीक है। एट्थ पे ले लीजिए आप NH4+ ले लीजिए। नाइन्थ पे ले लीजिए I3- ले लीजिए। टेंथ पे आप ले लीजिए TECL4 या फिर TECL6, CLO3- ले लीजिए, ठीक है। इनको नोट कीजिए, फिर हम बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए एक दो मैं आपको रेंडमली बता देता हूँ कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। फ्लोरीन 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, अपने को सिंगल ही काउंट करना है, ठीक है। मतलब एक सिग्मा, ठीक है। तो 4+1 5, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब एक लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर प्लस 1 ऑक्सीजन, 2+4 मतलब 6, 6 है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। sp3d2 में स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल। पहले आपको परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना लेना है, ये आपका XC, ठीक है, क्लियर है। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो ही गया है, ये आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और आपका फ्लोरीन, ठीक है। एक लोन पे रहेगा डाउनवर्ड, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होगी आपकी, स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री लिखिए आप स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। चलिए XCO2F2 इसके लिए बात कर लेते हैं अपन। हाइब्रिडाइजेशन निकालते पहले तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 × 2, 2 ऑक्सीजन है तो 4 तो वहाँ काम में आ गए, 2 यहाँ पे काम में आ गए फ्लोरीन के, तो हो गए 6, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए, तो एक लोन पेयर बचेगा इसके पास, ठीक है। तो 1+2 ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड, 3+2 5, 5 में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये आपका जीनोन हो गया, ठीक है। एक लोन पेयर कहाँ रखेंगे, मिनिमम रिपल्शन पोजीशन कहीं पे भी रखो, यहाँ रख दिया हमने, कितना बचा, एक है डबल बॉन्ड ओ, एक है, ये तो हो गया डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये है आपका फ्लोरीन, ठीक है। काउंट कीजिए, ये आपकी स्ट्रक्चर बताइए, सी सो, कैसी स्ट्रक्चर होगी, सी सो। लोन पेयर पे हाथ रखिए, कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, सी सो, ठीक है। बॉन्ड एंगल पे हम कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है ना, कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो आपका बॉन्ड एंगल में चेंजेज आएंगे, परफेक्ट 90 डिग्री आपका नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए दो मैंने बता दिए, अभी आप बाकी सबको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व कराता हूँ। वीडियो को पोस्ट करना है, ट्राई करना है ज़रूर, ठीक है, तभी आपसे ये क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज देख के नहीं होने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड से, ये दो तो आपने नोट कर लिए ना, चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ, क्या है अपना थोड़ा स्पेस बच जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं XCO3 के लिए, स्ट्रक्चर देखिए, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है तो 6 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गए, एक लोन पेयर बचेगा,
तो वन लोन पेयर प्लस थ्री सिग्मा कितने हो गए, चार। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 में होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बना लीजिए आप स्ट्रक्चर, ये जीनोन, ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक, ये दूसरे डबल बॉन्ड के साथ, ये तीसरे डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और एक लोन पेयर बचेगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, पिरामिडल। बताया था मैंने आपको, अगर हम इन्हें मिला देते हैं तो ये एक परफेक्ट पिरामिडल शेप बनेगा, जो अमोनिया का था NH3 का, ट्राइगोनल पिरामिडल या फिर सिंपल पिरामिडल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फोर देखिए, XeF4 हाइब्रिडेशन निकालिए, चार तो फ्लोरीन के लिए काम में आ गए, चार इलेक्ट्रॉन बचेंगे मतलब दो लोन पेयर, तो जीनोन के पास दो लोन पेयर है, 2+4 सिग्मा, टोटल हो गए 6। हाइब्रिडेशन हो गया आपके पास sp3d2, sp3d2 में आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका जीनोन, दो लोन पेयर है, सारी पोजीशन सेम होती है, ठीक है। दोनों लोन पेयर को हम एक दूसरे के सामने रख देते हैं, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, स्क्वायर स्क्वायर। तो ये रहेगा, दोनों लोन पेयर को अपने को काउंट नहीं करना है, एक ही प्लेन में है ये, ठीक है, तो इसे हम स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं XeF6, यहाँ पे भी 8 में से 6 तो आपके सिंगल बॉन्ड हो गए सिग्मा, एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है, एक लोन पेयर बचेगा, तो 6+1 7 हाइब्रिडेशन sp3d3, ठीक है, XeF6, ठीक है, sp3dt, ये वो केस है अपना, कौन सा वाला, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल वाला, ठीक है, डिस्टोर्शन जिसमें होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो कौन सी रहेगी आपकी, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल आना चाहिए बट नहीं आता है, क्या आता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं अपन, ये आप आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ये आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए वहीं स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए आयोडीन, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 7 में से 3 तो काम में आ गए, तो मतलब 4 बचे हैं दो लोन पेयर, तो 1, 2 और 3, ये 5 हो गए टोटल, एक्स की वैल्यू 5 हो गई, हाइब्रिडेशन sp3d, ठीक है। क्या होनी चाहिए स्ट्रक्चर आपकी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये आपका आई, ठीक है, दो लोन पेयर है, मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे रख दो, यहाँ पे रख दिए हमने, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। स्ट्रक्चर देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, टी शेप, क्या है आपका, टी शेप, ज्योमेट्री क्या होगी, टी शेप होगी, ठीक है। NH2+, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, प्लस से मतलब एक चला गया, कितने बचे, 4, 4 में से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो एक लोन पेयर बचा, ठीक है। हाइब्रिडेशन निकालिए, 1 lone pair + 2 sigma, टोटल हो गए 3, sp2 hybridization आपका कैसा होता है, प्लेनर, N, ये आपका H, ये आपका H, और ये आपका एक लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर को हटा लीजिए, स्ट्रक्चर क्या हो गई, वी शेप, या फिर इसे हम बेंट भी बोल सकते हैं, या फिर आपका एंगुलर, ठीक है ना। देखिए कितना इजी तरीके से आप अभी जो पिछले 4-5 क्लासों से आप पढ़ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन, VACPR थ्योरी, VBT, ज्योमेट्री निकालना है, वो कितना इजी हो चुका है अभी, ठीक है। एक आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और सब काम इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो उसको परफेक्ट बनाओ, बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए NH4+, ठीक है, यहाँ पे फिर से 5 में से प्लस आ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है, तो चारों ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, कोई भी लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 कैसा होता है आपका, टेट्राहेड्रल, तो नाइट्रोजन N, H, H, ये H, ये आपका H, ठीक है, ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये अभी
आप डायग्राम को ड्रॉ भी कर रहे हो, अगर मान लो आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो आपको डायरेक्ट बिना डायग्राम ड्रॉ के भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना, ज्योमेट्री बता सकते हो। आई थ्री माइनस है, इसमें से आप क्या कीजिए, एक आयोडीन को सेंट्रल एटम ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, एक आयोडीन को हमने सेंट्रल एटम ले लिया, तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आया, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर हमें नहीं पता इसका क्या है, ठीक है, मतलब हमें पता है तीन आयोडीन है, तो हमने क्या किया, तीनों आयोडीन को किसी भी रूप में आपका ऐड कर लिया, ठीक है, एक पे माइनस चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे माइनस चार्ज ले लिया, ठीक है, इसी का हाइब्रिडाइजेशन बताना रहता है सेंट्रल एटम का अपने को हमेशा। आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस होते ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, ठीक है, दो तो बॉन्ड बनाने में काम में आ गए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब तीन लोन पे है, 1 2, ये आपका 3 लोन पे है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3d, तो स्ट्रक्चर क्या आनी चाहिए, ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर अभी देख लेते हैं पहले, वो तो आपकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, ठीक है, मतलब आनी चाहिए ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर देखते हैं कैसी स्ट्रक्चर आती है इसकी, ठीक है, ये आपका आयोडीन, ठीक है, अब देखिए दो लोन, तीन लोन पेयर है, कहाँ रख सकते हो, मिनिमम रिपल्शन पोजीशन यहीं रखना पड़ेगा आपको, तीनों को इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दिया, ये दो आयोडीन आपके पास यहाँ पे आ गए, ठीक है, तीनों को लोन पेयर को आप रहने दीजिए, तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है आपकी, लीनियर, कैसी बनेगी, लीनियर, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी आपकी, लीनियर होगी, ठीक है। अब यदि आपने अपने हाथों से इसको इनको सबको क्वेश्चन को ट्राई किया होगा ना, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आई एम श्योर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें, ठीक है, तो सब कुछ आपके ऊपर है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा आपको। Cl(O)-, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस लगा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब 6 तो उसमें चले गए, 1-2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर, तो क्लोरीन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, एक लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा, टोटल हो गए 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल बना के देखिए, ये आपका क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे आपका माइनस का चार्ज, ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, लोन पेयर को हटाइए, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, यहाँ हमने बनाई थी एक स्ट्रक्चर ऐसी, ठीक है, कैसी थी, ये वाली स्ट्रक्चर, वो तो आपकी बेंट थी, ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ ये कैसी होगी आपकी, पिरामिडल वाली, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपकी पिरामिडल शेप, ये वाली जो शेप है, ये वाली, ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या स्ट्रक्चर होगी, पिरामिडल, या फिर आपका ट्रायंगुलर पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए जियोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, चलिए इन सबको नोट कीजिए एक बार। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने जो अपने हाइब्रिडाइजेशन बाकी था कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे, उसके जरिए कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल ज्योमेट्री है उसको पता कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो जो हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकलेगी वही आपकी एक्चुअल ज्योमेट्री है, बट अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपको लोन पेयर को वहाँ रखना है जहाँ पर रिपल्शन मिनिमम होता है, ठीक है, और उसके बाद उसको काउंट नहीं करना है, उसके बाद शेप देख लो, आपको जो शेप लगती है वही शेप किसकी रहेगी, आपके मॉलिक्यूल की रहेगी, ठीक है। हमने अलग अलग एग्जांपल देखे आपके sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 सब में देखे, जो आपका स्पेशल केसेस था केप्ट ऑक्टाहेड्रल का वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ ट्राई कर लिए हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के और ज्योमेट्री निकालने के लिए, ठीक है। तो आप जितने भी एग्जांपल्स हैं आप सबकी ट्राई करो, ठीक है, आपको कहीं और से
बुक से मिलते हैं तो उनको भी ट्राई करो, सबका तरीका सेम ही है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। ज्योमेट्री निकालनी आनी ही चाहिए, इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, आपकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए सही रिलेटेड रहेगा अपना नेक्स्ट लेक्चर भी, ठीक है। तो उसमें और हम बात करेंगे, लेकिन वो ये वाला टाइप नहीं रहेगा, वो अपना एक अलग टाइप की ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चन की आप दोबारा से प्रैक्टिस करो, नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप वाइज फाइंड आउट करो। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। हो सकता है 10 क्वेश्चन को करने में 1 घंटा लग जाए, बट लगाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो बाद में 10 क्वेश्चन को करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। बस आपके समझने की देरी है, ठीक है। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।